ऑलराइट, सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। सो आज की भाई शिफ्ट चेंज हो गई है टाइम, तो मैंने सोचा टाइम में थोड़ा सा उड़ गए हैं, क्यों ना व्लॉग बना लिया जाए। तो देखो भाई यहाँ पर ये काट रहे हैं पाइनएप्पल खाएंगे भाई की तरफ से, और ये रहा अपना मैंगो। ओहो, लग रहा होगा मीठा, पर मीठा नहीं है भाई ये, यहाँ के मैंगो बहुत कम मीठे होते हैं सऊदी में। तो अभी खाते हैं, उसके बाद मुझे कुछ बाहर काम है तो चलते हैं बाहर, फिर आपको दिखाते हैं। ये बना रहा है भाई मछली, भाई उसने ना पाइनएप्पल काट दिए हैं। अब पता नहीं पाइनएप्पल के साथ में पता नहीं ये यहाँ पर क्या मिर्ची विर्ची डाल रहा है। देखो पाइनएप्पल के साथ आई थिंक आपने शायद ही खाई होगी मिर्ची। यहाँ पर देखो मिर्ची फ्राई कर रहे हैं भाई, लाल मिर्ची वो भी पाइनएप्पल के साथ के लिए। हम तो ऐसे ही खा लेते हैं नमक डाल के। अरे देखो भाई मिर्ची का क्या है, वो है मिर्ची को डाल रहे हो, मिर्ची डाल दो तो बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। क्या कल्चर है बांग्लादेश का तो चेक करते हैं। हमने तो भाई आज तक खाया नहीं ऐसे, पर देखते हैं खा के कैसा लगता है हमको, है ना। अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, तुम खाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो भाई भाई कह रहे हैं तो ट्राई करना तो बनता, और हाँ अगर अच्छा लगेगा तो आप भी ट्राई कर लेना एक बार, क्या जा रहा है ना। जब तक भाई ये पाइनएप्पल कर रहे हैं जब तक हम खा लेते हैं आम, भाई अपना मैंगो। अब ठीक है, नमस्ते, ये यही आज भाई खा लो। ये देखो भाई इसके अंदर मिर्ची गिर रहा है भाई, अनन्नास पाइनएप्पल के अंदर मिर्ची गिर दी है, नमक गिर रहे हैं भाई। ये बांग्लादेश में ऐसे खाते हैं सब, बहुत अच्छा, बांग्लादेश में ऐसे खाते हैं सब, ऐसे बनता है क्या? खाने के कोई तरीके नहीं, खाने कोई तरीका नहीं है, कैसे भी खा लेते हो ऐसे, बोलता बोलता है। बिस्मिल्लाह, असलम भाई नहीं लवन जा डाल दिया, अच्छा हुआ, अच्छा नहीं हुआ, अच्छा हुआ नमक ज्यादा हुआ भाई, नमक नमक इसने कुछ ज्यादा डाल दिया, खराब कर दिया, नमक ज्यादा डाल दिया इसने। नमक मैं नमक ज़्यादा खाता है तो उसको बंदा ले क्यों थोड़ा देता है तो ज़्यादा ही देना पड़ेगा, ठीक है ना, फिर भी ठीक है। सही साथ है ना, बांग्ला में सही साथ को क्या कहते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सो भाई थोड़ा बहुत अपना नाश्ता तो हो गया, अब चलते हैं बाहर अपने। सो भाई अब हम चल रहे हैं बाहर अपना काम से, जो काम करवाना था, है ना। अरे देखो भाई कैसे हो भाई, और बढ़िया सब, ये अपने भाई हैं, कैसे हो भाई, कैसे हो बताओ, मैं बढ़िया हूँ, ठीक हो, ठीक हो, और सब बढ़िया चल रहा है। सो अभी हम निकल गए हैं बाहर, तो आज आपको दिखाऊंगा बाहर का सीन ज़्यादा तक, ठीक है। तो अभी मैं जा रहा हूँ बैंक अनुराजी, जहाँ पर मुझे थोड़ा कुछ काम करवाना था। ये है बाहर की रोड, ऐसे देख लो। सो थोड़ा सा मैं एक बार बताऊँ, पता नहीं मन सा उठ गया भाई ब्लॉग ब्लॉग बनाने से, मन ही नहीं करता है, क्या हो गया समझ नहीं आ रहा। बट कैसे भी मैंने अपने आपको मनाया भाई, सदा थोड़ा सा एफर्ट डालने पड़ेंगे भाई, कुछ करना है तो चलो भाई बनाते हैं आपके लिए और अपने लिए। सो ये देखो, ये है मलका, अल मलका,
स्ट्रीट तो भाई देख लो कैसे देखो भाई कौन सी गाड़ी जा रही है ये ओहो दिखा नहीं पाया कोई बात नहीं। तो ये सब जो दिख रहे हो ना आप सामने ये होटल है यहाँ पर आपको लाइक इंडियन रेस्टोरेंट रहते हैं ना वैसे ये सऊदी रेस्टोरेंट है यहाँ पे खबसा अल्फहाम और बहुत सारी खाने की चीज़ें मिलती हैं और ये देखो भाई कितना अच्छा व्यू है कितना क्या आगे भी है थोड़ा बहुत आपको शायद दिख रहा हो मैं जूम करके दिखाता हूँ ये देखें अच्छा है ये यहाँ का डोमिनोज ये तो खा रखा है भाई एक एक करके सारे रेस्टोरेंट से खाना खाना है भाई यहाँ पर इंशाल्लाह भाई ये सामने देखो लोरेंजो इस पे से मैंने सैंडविच खाया था भाई भाई आप मेरे सामने देख लो लोरेंजो इस रेस्टोरेंट से मैंने सैंडविच खाया था और वाकई में मैं 3 बजे आया था खाने के लिए और बहुत ही अच्छा लगा मुझे खाना 15 रियाल का था और इंडिया के वो बैठते हैं करीबन 15x22 कर लो भाई अपने हिसाब से करेंगे इतना टाइम नहीं है करने का चलो आगे बढ़ते हैं वो लोग बढ़िया सब क्या काम करते हो आप इसके अंदर क्या है पार्किंग में अच्छा और कहाँ से हो इधर से क्या मतलब इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश बांग्लादेश देशी भाई क्या देशी बात भाई, देशी भाई। क्या बात और सब बड़े चल रहा है ना सही वीडियो सा हाँ भाई वीडियो बनाते हैं कंटेंट हाँ कभी कभार वीडियो कभी कभार नहीं शायद आपको वो टावर्स दिख रहे होंगे हाँ दिख रहे हैं भाई बहुत ही सुंदर लगते हैं जाके वहाँ पर बैठ के भाई किसी दिन ब्लॉग बनाएंगे इंशाल्लाह वो तो टाइम नहीं उतना बट फिर भी देखिए बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा व्यू है भाई बैंक तो बंद है टाइमिंग इसकी है सुबह 9:30 से शाम के 5:30 तो भैया हम कितने बजे आए हैं अभी 7 बजे भाई सही है कल आना पड़ेगा कोई बात नहीं अब लग रही है भाई भूख घर पे बनाया नहीं है कुछ और ना ही मन करता है बनाने का ठीक है तो चलते हैं कुछ बाहर खाने के लिए देखते हैं जो अच्छा लगेगा वो खा लेंगे भाई चलते चलते हो गया रात देखो थक भी गया हूँ भाई वो ये बिल्डिंग थी वो ओ होटल है बर्गर तो नहीं खाऊंगा भाई मैं आज बर्गर खा के थक गया हूँ मैं देखो रात को 3 बजे बर्गर 4 बजे बर्गर भाई अब नहीं हो पाएगा सो दोस्तों अभी हम आ गए बांग्लादेशी होटल और बाहर तो हमें कुछ दिखाने वाले कैसे तो देखते हैं यहाँ पर क्या लेते हैं थोड़ा दिखा देता हूँ मैं कैसा होता इस तरह का होटल है यहाँ पर सवा रखे हैं इंडिया पाकिस्तानी बांग्लादेश सवा रखे हैं खाने के लिए तो पैदाइश तो बिहार में हुई है ना तो बिहार की बोलेंगे ठीक है बिहार क्या करो हाँ मार रहे हर चीज आपका बिहार से मैं बिहार से हूँ उधर का भाषा अलग है यूपी का भाषा अलग है देखो मैं यूपी से हमारा भाषा यूपी में किधर से हो आप आजमगढ़ मैं डासना से हूँ डासना मेरठ मेरठ से डासना मेरठ मेरठ दूर मेरठ दिल्ली के साइड हूँ भाई पैदाइश होने के बाद सीधा मतलब पढ़ाई लिखाई दिल्ली में हुई फिर शिफ्ट हो गए यूपी में
अच्छा अच्छा तो भी समझ गया है। ये सूखा सूखा दे देंगे फिर फायदा है क्या लेने का। हाँ सोच रहा था आगे जाके देखो, मैंने कहा यहीं पे देख के अब यहीं बैठ जाओ। आगे भी है केरला का है। अच्छा बंगाली का भी है। बिरयानी मंगाई है हमने अभी, देखते हैं खा के। सो भाई अपनी बिरयानी आ गई है, देखो खा के देखते हैं कैसी है। शुरुआत भी दिया साथ में भाई ने और सलाह दी रे नोरियल का दिया है। ये होटल है, चलो खाते हैं खा के बताते हैं आपको कैसा है। तो दोस्तों अभी हमने बिरयानी खा ली है और बिरयानी अच्छी लगी है हमको। मतलब बाहर से तो ठीक ही है, अगर बाहर में खाता तो कम से कम मेरे 30 रियाल तो खर्च होते, और 30 रियाल भाई बहुत ज़्यादा है। तो मैंने सोचा बंगाली होटल देखा है मैंने सोचा इस पर क्यों ना ट्राई किया जाए, और मैंने ट्राई किया और हाँ अलहमदिल्ला अच्छा था। मतलब कोई भी कुछ खाना होगा तो मैं यहीं पर आके खाऊँगा, ठीक है। तो चलिए। सो भाई मज़ा आ गया खा के सही में। मतलब मैं सोच रहा था मेरे 30 से 20 रियाल खर्च होंगे, पर 10 रियाल में भाई बिल भर गया अलहमदिल्ला। और साथ में ब्रेंडा सिट्रस जो मेरी फेवरेट है वो ले लिया। मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। पैसे बचा इसलिए मज़ा आ गया, पेट भी भर गया। चलो अब 2 घंटे बचे हैं भाई ऑफिस टाइम में, तो थोड़ा सा घूम के चलते हैं भाई घर पर, उसके बाद सीधा ऑफिस। भाई अभी मैं खाने यहाँ पर आ रहा था रोमांशिया। भाई सऊदी में सबसे अच्छा लगता है मुझे ये होटल, इसके चावल और इसका मतलब सर्विंग बहुत अच्छी लगती है वहाँ, उनका खाना बड़ा अच्छा लगता है मेरे को अल रोमांशिया राइस का। तो यही खाने आया था, उससे पहले मुझे पीछे एक होटल दिख गया बांग्लादेशी, उसे मैंने खाना खा लिया। इसमें मेरा खर्चा हुआ 10 रियाल, और अगर मैं यहाँ पर खाता तो मेरा होता 40 रियाल खर्चा। 30 रियाल बच गए भाई थोड़े, सही है अगली बार खाने में काम आएंगे। बाकी चलते हैं हम। भाई ये देखो नज़ारा, वही हुए इतनी सुंदर सुंदर बिल्डिंग है, वाओ व्हाट अ व्यू। सो दोस्तों अब मैं आ गया हूँ बहुत दूर अपनी लोकेशन से सिर्फ इस व्यू के लिए। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये कितना अच्छा व्यू है, और बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ पर आके, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। व्हाट अ व्यू, मुझे तो अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है आप बताओ मुझे। आई थिंक आपको भी अच्छा ही लग रहा होगा भाई। भाई बहुत कम टाइम मिलता है, मैंने बहुत हिम्मत करके यहाँ पर आया हूँ। मन ही नहीं करता भाई एक बार घर पे जाने के बाद, क्योंकि इंसान थका होता है काम करके, क्या जाए। अगर अपनी गाड़ी नहीं है यहाँ पर तो यार फ़ायदा नहीं है घूमने में, सही बताओ मैं लिटरली। इंसान के पास अपनी गाड़ी है तो इंसान घूम लेता अच्छे से, बट पैदल आया हूँ भाई मैं। मैंने सोचा कि यहाँ गाड़ी करना, पर पास में था मतलब कम से कम मेरे को 20 मिनट लग गए आने में यहाँ पर, 20 या 25 मिनट लग गए। बट हाँ वर्दी है आना कभी कभार, मतलब एक हफ्ते में या एक महीने में आ जाओ थोड़ा बहुत घूम लो। मतलब मैं 2-3 महीने से रह रहा हूँ यहाँ पर, 3रा महीना हो गया हाँ, और 3रे महीने के बाद मैं पहली बार मतलब इतनी दूर लाइक 5 से 6, 7, 8 किलोमीटर दूर आया हूँ मैं सिर्फ इस व्यू के लिए देखने के लिए। तो बस यही था, अब खाना वाना तो खा लिया हमने अलहमदिल्ला, और बैंक गए थे तो बैंक में भी काम नहीं करवा पाए क्योंकि बैंक क्लोज़ हो गया था। अब क्या करना है, अब घर चलना है, आराम करना है। ओके